नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम ने मैदान पर उतरते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा औसत का रिकॉर्ड दर्ज था, पर अब उससे बेहतर बाबर आजम का हो गया है। विराट कोहली का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एवरेज 50.80 का है, जबकि अब बाबर आजम का 50.90 का हो गया है। ये किसी भी बल्लेबाज का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा एवरेज है। इतना ही नहीं, बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 1500 रन पूरे कर लिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाबर आजम ने यह कारनामा महज 39 T20 पारियों में किया है। इस मामले में वो सबसे तेज पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने महज 39 पारियों में ही अपना 1500 रन पूरा कर लिया, जबकि विश्व स्तर पर बाबर आजम ने विराट कोहली और आरुण फिंच की बराबरी कर ली है। तीनों ही बल्लेबाज अब संयुक्त रूप से नंबर 1 पर काबिज हैं। बाबर आजम एकदम से विराट कोहली के पीछे पड़ चुके हैं और अमूमन कोहली के हर रिकॉर्ड्स को वो चैलेंज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस समय बाबर आजम दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग में टॉप 5 में है। T20 क्रिकेट में तो बाबर आजम नंबर 1 स्थान पर काबिज हैं। आपको बता दें, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने वाले बाबर आजम ने इस मुकाबले में 56 रनों की पारी खेली। उन्होंने इस पारी के दौरान 44 गेंदों का सहारा लिया और 7 चौके लगा दिए। बाबर आजम को आदिल राशिद ने कैच आउट करवाया। आदिल राशिद की एक छोटी सी गेंद पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में बाबर आजम ने अपना विकेट गवा दिया। सैम बिलिंग्स ने बाबर आजम का कैच लपका। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हफीज ने इंग्लैंड के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 50 जड़ दिया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।